तो फिलहाल मेरे साथ ज्वाइन हुए सीनियर जर्नलिस्ट मेरे अजीज भाई जो है फरीद अहमद नायक साहब, इनको कौन नहीं जानता है। फरीद साहब जो है चिनाब टाइम के एडिटर भी हैं और साथ साथ में ये एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और इनको जो है मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसा कोई भी भाई नहीं होगा या बहन नहीं होगी जो इनको नहीं जानता होगा। इनका एक प्रोग्राम भी आता है आवाम की आवाज, जिसका लगभग 70वां एपिसोड होने वाला है अब। तो फरीद साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम में ज्वाइन हुए। वालेकुम अस्सलाम किफायत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल सबसे पहले मैं पेज से आना चाहता था, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मुझे स्विच करना पड़ा अपनी आईडी को। और जिस तरीके से आपने मेरा तारुफ दिया, बंदाए नाचीज उस तारीफ के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और जिस तरीके से आपने कहा सीनियर, तो मैं खाके पा भी नहीं हूँ, बिल्कुल कुछ जी, नहीं हमसे हूँ। तो आप, हमसे तो आप सीनियर। ये आपका बड़ापन और मोहब्बत है, खलूस है ये आपके लिए, इसका इसका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन नाचीज हूँ और खाकसार हूँ और खाके पा हूँ, बस इतना ही कहूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं इस खास मौजू पर बात कर पाऊँ। फरीद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे लाइव प्रोग्राम में ज्वाइन हुए। आज का जो मेरा मौजू है, मैंने पहले अपने कैप्शन में लिखा है गुड न्यूज और साथ में लिखा है ब्रेकिंग न्यूज फॉर जॉब कार्ड होल्डर, एमजी नरेगा के जो जॉब कार्ड होल्डर है उनके लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल इस खबर को आपने भी आज दिन को सर्कुलेट किया और इसके ऊपर आपने जो अपनी रिपोर्ट आपने सोशल मीडिया पर सौंप दी है लोगों के लिए। थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आप बहुत टाइम से सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, दो चार चैनल पर काम आप कर रहे हैं, आप अखबारात में काम कर रहे हैं। आज का जो रेट बढ़ाया गया है, मैं इसको कैजुअल लेवर ही कह सकता हूँ, जो आज का रेट बढ़ा दिया गया है, जो 100 दिन का वेतन हमें मिलता है, 100 दिन का रोजगार जॉब कार्ड होल्डर को, तो जी। आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए किफायत भाई, आपने रिपोर्ट कहा तो वो मुख्तसर थोड़ा मैंने तारुफ दिया था, और कभी भी 5 मिनट में किसी भी मौजू पर मुकम्मल आप रोशनी नहीं डाल सकते, ये आप सभी जानते हैं। बिल्कुल आपने बात की कि 210 और फिर 228 या फिर 27 और फिर सीधा 244 रुपए जो है रेट किया गया है। खैर मकदम है इसका, और काफी अच्छी खबर है कि एक मजदूर जो दिहाड़ी लगाता था और बड़ी मुश्किल से अपना रोजगार कमाता था, और ये जो मनरेगा है बिलखसूस, ये एक ऐसी चीज थी कि इंसान घर बैठे 100 दिन का रोजगार कमा सकता था। कमा सकता था। और इससे क्या होता था कि जो गरीब तबका यहाँ से दूर दराज इलाकों में मजदूरी के लिए जाता था, उन्हें काफी इससे फायदा हुआ। बिल्कुल अब 210 से 244 हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, तो ये तो खैर मकदम है इसका, ये तो अच्छी खबर है, इसमें कोई शक नहीं है। जी लेकिन ये तब अच्छी खबर और भी अच्छी खबर बन सकती है अगर इसको जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट कर दिया जाए। आप जानते हैं, आप भी बहसत एक सहाफी हालात वाकत पर नजर रखते हैं, जी आपने देखा होगा कि जब से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू हुआ है, तब से जो दूर दराज दही इलाके हैं, जो पंचायतें हैं, मुतद्दिद पंचायतों से खबरें आपने भी की हैं कि ये जो मजदूर थे इनकी कमी हो रही है, मतलब काम में ये जो है नहीं लग रहे हैं। अब जी इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ जाती मसरूफियात की वजह से नहीं लग पा रहे हैं, और कुछ इसमें धांधलियां भी होती थी, करप्शन भी था, बहुत सारे लोग जो है बिना मजदूरी किए उजरतों के हकदार बन जाते थे, यानी कि मुफ्त की रोटियां बिल्कुल तोड़ते थे, ऐसा बिल्कुल भी है। जैसे हमने पहले भी आपसे बातचीत की थी इसके बारे में। जी बिल्कुल। और लेकिन वहां पे, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे क्या करते थे कि मान लीजिए अब 100 दिन का रोजगार है, तो 100 दिन अपने मजदूरी करनी है, लेकिन इसमें कुछ लोग जो थे, जो बेचारे गरीब तबके थे के थे, वो जी दिन और रात एक कर देते थे, और दिन और रात एक करने के बाद वो क्या करते थे, 100 दिनों का काम 25 या फिर 30 दिनों में वो मुकम्मल दिन करके बाहर चले जाते थे और अपना रोजगार वहां पे भी कमाते थे। और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये जदीद दौर है और यहाँ पर महंगाई भी अरूज पर है। 244 बिल्कुल पर डे आपका जब आपके पास आएगा तो आप कितना ही उससे कमा पाएंगे, बिल्कुल ये चीजें मद्देनजर रखने की हैं। और अगर आप 100 दिन अब घर में बैठकर, आप डोडा में रहते हैं, किश्तवाड़ में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, 244 आप पर डे कमा रहे हैं,
तो आप मुझे बोलें कि किस तरीके से आप अपना अयाल की कफालत करेंगे, किस तरीके से, ये पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में, बहुत मुश्किल आती है। तो ये चीज थी, लेकिन मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के बाद जो है ये चीजें ठप हो गई। इससे इसके दो पहलू है, जहां पर करप्शन को जो है ये खात्मा हुआ है, क्योंकि हाजिरी लगेगी, लाइव सारा सिस्टम है, तो कोई जो है इस पे मैं ये कहूं कि करप्शन बहुत कम हो सकता है। फोटो खींचा जाएगा भाई, अगर बंदा वहां पे नहीं है तो उसकी हाजिरी कहां से लगनी है, पहली बात। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जो बंदा 100 दिन का 30 दिन में करता था काम, काम होता था, काम होता, जिसने करना है उसने करना है, जिसने धांधली करनी वो धांधली करेगा। अब जो काम करता था वो 30 दिन में मुकम्मल करके 100 दिन का उसको मिलता था और वो बेचारा कमा लेता था कुछ ना कुछ और नजदीक काम हुआ करता था। लेकिन वो शख्स अब लद्दाख जाकर 1,000 रुपए दिन ले या फिर यहाँ पर बैठकर वो 244 कमाए, ये तमाम नाजरीन देख रहे हैं, इसका जवाब देंगे। तो यहाँ से क्या मेरी ये कहने की मुराद थी कि 244 तो खैर मकदम कदम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये और भी तब बेहतर होगा जब इसको जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जब यकीनी बना दिया जाएगा कि हर पंचायत में, हर वार्ड में बसने वाले जो मजदूर हैं उनको 100 दिन का मुकम्मल रोजगार मिले, तभी ये पॉसिबल है, इसका फायदा जमीनी सतह पर होगा। वरना मैं कहूं कि अगर हम मुल्क भर की बात करें तो 244 यहां पर है, ये कहीं दूसरी जगह पर नहीं होगा, इससे कम भी है, ज्यादा भी है। हरियाणा की आप बात कर लें, 350 से ज्यादा वहां पर दिहाड़ी है। अब ये हर जगह अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि यही हर जगह हो। अब यहाँ पर ये चीजें हैं कि अगर 350 भी यहाँ पर कर देते हैं, आप भी एक साफी है, बताएं कि कितना कितना आपको ये क्या कहते हैं बराबरी आ जाएगी अपने कफालत करने में आयाल का। तो ये जैसे कि आपने फरीद भाई कहा कि ये जो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किया गया है, इससे दो चीजें हो सकती है, एक तो जो करप्शन है उसको खत्म किया जा सकता है, दूसरा लोगों को अपना जो हक है वो पूरा दिया जा सकता है, मतलब ग्राउंड पर काम। मगर जहां तक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो इस साल भी काफी इसमें काफी जगहों पर धांधलियां भी हुई है और काफी जगह पर ऐसा भी हुआ है कि जिन मेटों को मेट जो वर्ड है ये एसडी डोडा ने इस्तेमाल किया है, जिन मेटों को हाजिरी अपलोड करने के लिए लगाया गया था, सबसे पहले उनके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है कि उनको किस खाते में से पैसा दिया जाएगा। सबसे पहले तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार हम लोगों से जो है गुहार लगा रहे हैं कि आप मीडिया के जरिए इस बात को उठाए, हुई ये बात सही। दूसरी चीज, लोगों ने दो दो महीने लगाए, 50-50 दिन लगाए, 30-30 दिन लगाए, उनकी हाजिरी लास्ट में कितनी अपलोड होती है, 15 या 20 दिन। तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ इस बार, ट्रांसपेरेंसी लाते लाते जो है लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, दिन लगाकर भी नुकसान हुआ। तो ये भी जो है सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इस चीज को भी जो है देखना चाहिए। बिल्कुल किफायत सही फरमाया आपने, हर चीज को हुकूमत को देखना चाहिए। और आज आप सभी जानते हैं, पहले तो तमाम जो हमारे मजदूर भाई हैं अगर जुड़ चुके हैं तो उन्हें मैं मुबारकबाद दूंगा, आज आलमी दिन है मजदूरों का, और आलमी दिन जो मजदूरों का है इसके मौके पर, इसके पेश नजर पहले ही ऐलान कर दिया गया कि एक सौगात, एक तोहफा हम जम्मू कश्मीर के मजदूरों को देंगे, बिलखसूस मैं मजदूरों की बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर के, यहाँ पर हम बढ़ोतरी करेंगे, 244 अब रेट कर देंगे। आलमी मजदूरों का दिन, जिसे इंटरनेशनल लेबर डे भी कहते हैं, कोई इसे इंटरनेशनल वर्कर्स डे के नाम से भी जानता है, कोई इसे मे डे के नाम से भी जानता है। अब ये तीनों जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं, तीनों नामों के पीछे अलग अलग जो है कहानियां हैं, अलग अलग तारीख है। अब इसके पीछे नहीं जाएंगे, मुख्तसर ये कहेंगे अगर आलमी दिन है मजदूरों का तो जाहिर सी बात है इस पर मजदूरों की बात होनी चाहिए, इस पे मजदूरों के फलाह और बहबूदगी की बात होनी चाहिए, जो मजदूरों के साथ इस्तेहसाल हो रहा है उसके बारे में नजरसानी होनी चाहिए, जो मजदूरों के ऊपर बोझ है, जो मजदूरों के हकूकों के साथ पामाली हो रही है, उन तमाम चीजों को नजरसानी की जानी चाहिए, और ये दिन मखसूस किया गया है मजदूरों के लिए। लेकिन आज भी मजदूर सबके घर बनाते, उसका अपना घर नहीं है। मैं कहता हूं कि इस जहां में, इस दुनिया में मजदूर जैसा कोई दर बदर नहीं है, और जो सबके घर बनाता है उसका अपना कोई घर नहीं है, यह हकीकत है जिसे कोई जो नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और जिसका घर है बेचारे का, वो भी वहां भी बहुत सारी ऐसी खबरें की कि भाई करप्शन का सहारा लेना पड़ा, मजदूरी जो पंचायती नुमाइंदा कहाँ है,
मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्तसर कुछ ऐसी खबरें मौसूल भी हुई कि पंचायती नुमाइंदा का उनसे भी 20-20 हज़ार मांग रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मजदूर अपना आशियाना खड़ा कर रहा है आज के दौर में। तो इन चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं रोकूंगा व्याधि माफ फरीद भाई, जैसा कि आपने आशियाने की बात की, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से एक मकान एक गरीब को दिया जाता था, जिसमें 1,30,000 रुपए जो है उस गरीब को दिया जाता था, बिल्कुल, और उसको जो है 20,000 रुपए के आसपास जो है उसके जॉब कार्ड में हाजिरी दी जाती थी, ताकि ये जो गरीब है ये 1.5 लाख में जो है अपना 2 कमरा आशियाना जो है बना सके और मजबूत बना सके, वो पुराना वाला मिट्टी वाला नहीं, मजबूत बना सके। आज जब ये ऑर्डर निकला है 244 वाला, और इसमें जो है साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप किसी को PMAY केस मिलता है तो उसको जो है आप कार्ड में जॉब कार्ड में हाजिरी नहीं मिलेगी। क्या ये एक लेबर तबके के साथ इंसाफ किया गया कि उसके साथ बदइंसाफी की गई? देखिए, आपने जो सवाल किया उसी में आपने जवाब भी दे दिया है, मुझे नहीं लगता इसकी वजाहत करना ज्यादा जरूरी है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि
बिल्कुल, जो आपने मुझे एमजी नरेगा स्कीम जो के तहत आपने जो रेट के बारे में मुझे पूछा था कि 244 रुपए इस साल 2023 का तोहफा यूटी जम्मू कश्मीर के पंचायतों को दिया गया है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर एक तरफ से गवर्नमेंट ने अटेंडेंस लगाने का काम किया है, वो भी एक जारेस या मेड का कोई सिस्टम रखा है, जी लेकिन इस तरह से मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से 2022 में कुछ पंचायतों में जीरो जीरो पे नरेगा पहुंच गया, और मैं अपनी पंचायत की बात अगर करूं, लगभग 40% लोग ऐसे भी रह गए हैं कि जिनको एक दिन भी नहीं मिला है, और कुछ लोगों को 44 दिन या 50 दिन मिले हैं, ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा किसी को नहीं मिला है। और बिल्कुल जो 244 रुपए रेट है, कि कम से कम इसमें 400 या 500 रुपए रेट होना चाहिए मजदूर का, क्योंकि जिस तरह से आपने मुझे सवाल किया कि एक मजदूर ही ऐसा है कि जो मतलब चीफ मिनिस्टर की बिल्डिंग भी बनाता है, जो बिल्कुल वजीर आजम की बिल्डिंग में भी काम करता है, जो हर चाहे कोई एमएलए हो, एमएलसी हो या कोई बड़ा नेता हो, अगर उसने अपने घर की बिल्डिंग तैयार करनी है वहां पर मजदूरी होता है, लेकिन मजदूर के साथ हर वक्त नाइंसाफी हो रही है। और इसी तरह मैं अगर बात करूं, हम भी काफी परेशान हो चुके हैं कि अगर यहाँ पर हमने मोदी साहब ने बड़े जोरों खरोश से यहाँ पर सरपंच इलेक्शन कराए थे, जी खुद मोदी साहब सरपंचों के जम्मू कश्मीर के सरपंचों के साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं। अभी तक कम से कम 2-3 दफा मोदी साहब ने सरपंचों के साथ मुलाकात की है। मोदी साहब तो चाहते हैं, मोदी साहब तो इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी सरपंच हैं उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो आगे इनके गवर्नमेंट के जो बड़े अहदेदारान हैं, ये किसी भी सरपंच की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जी ये जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर ऊपर से सेंटर से पैसा आता है, लेकिन वो सेक्रेटरेट से कम उनको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल गुजर गुजर जाता है, लेकिन सेक्रेटरेट से वो पैसा रिलीज डिस्ट्रिक्टों में नहीं तकसीम नहीं होता। होता है। जिस तरह से मीटर की बात हो, 2016-17 की लाइबिलिटी है, 19-20 की लाइबिलिटी है, और 21-22 का पैसा है, 22-23 का जो मीटर का पैसा है, कहीं मतलब कहीं सबूत नहीं है, अभी जमीनी सतह पर किसी को नहीं मिला है। और जो आपने 244 रुपए की बात की है, जी पिछले साल 228 रुपए यहाँ पे, 227 अट्ठाईस 228 रुपए यहाँ पे रेट दिया गया था, लेकिन काफी नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर के पंचायतों में। हाँ, अलबत्ता कुछ पीएमएवाई स्कीम के तहत जो कुछ मकान मिले हैं, ये मैं मानता हूँ, सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन एक तरफ से अगर इन्होंने मकान दिया, दूसरी तरफ से इन्होंने क्या बोलते हैं कि ये एमजी नरेगा का जो प्लान था वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल शिविर लाश साहब, हो चुका आपको है मैं उनको। एक बात आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि आप एक सरपंच है, कल को जो है आपको हिसाब लिया जाएगा, लोग आपसे मांगेंगे ये चीज। अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है, जिन लोगों को पीएमएवाई का केस दिया जाएगा उनको सिर्फ 1,30,000 रुपया दिया जाएगा, न कि उनके जॉब कार्ड में उनकी हाजिरी, जो आप 20,000 या 18,000 या 21,000 देते थे, आप उनको जॉब कार्ड पे वो हाजिरी नहीं मिलेगी। ये आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये जो है पूरी तरह से जो सरकार ने क्लियर कर दिया है, वहां पर भी 20,000 कम कर दिया गया है पीएमएवाई में। अभी तक हमारे पास ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, न कोई मैसेज बीडीओ साहब का या एसीडी साहब या डीसी साहब का किसी भी सरपंच तक पहुंचा है, ये हम फिलहाल इस बारे में हम नहीं कह सकते कि, लेकिन जो पिछली साल कुछ पीएमएवाई लोगों को दिए गए थे उसमें मतलब 90 से लेकर 96 या 100 दिन तक मिला था, नरेगा में भी मिला था, ये हम पूरी तरह से आपको वजाहत करते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं वही मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप लोगों को पीएमएवाई नए अप्रूव करेंगे, तो आपको जो है मांगेंगे कि हमें जो है, आप जिस तरह आपको एसबीएम बाथरूम जो 12,000 पहले पहले आप लोगों को देते थे, उसके बाद वो खत्म हो गया, तो पहले बाथरूम 12,000 खत्म कर दिया गया, आप जो है जॉब कार्ड का पैसा उनको मकान में नहीं मिलेगा, बल्कि उनको अलग से ही काम करना पड़ेगा, उसके बाद जो है उनको हाजिरी मिलेगी, जो काम दूसरे लोग करेंगे उसी में उनको भी जो है हाजिरी मिलेगी, ना कि मकान के में उनको जो है 20,000 की हाजिरी मिलेगी। मैंने बता दिया फैतुल्ला साहब, अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया तब तक हम लोगों को कुछ नहीं बता सकते, ना हमारे पास कोई टारगेट आया कि 2023 में कोई टारगेट अभी तक नहीं मिला है हमें पीएमएवाई का पंचायतों में,
लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि मोदी साहब अगर जम्मू कश्मीर के सरपंचों की इज्जत करता है, क्योंकि अभी तक दो तीन मुलाकातें जो मोदी साहब ने सरपंचों के साथ किए हैं, लेकिन यहाँ के, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है ये सरपंचों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसा कि मेरा एक कहने का मकसद यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर के पंचायतों में जिस तरह से ये तालीम का निजाम है, एजुकेशन का निजाम जो है वो बिल्कुल बरहम हो चुका है, क्योंकि जिस स्कूल में 10 टीचर होने चाहिए थे वहां पर 2 टीचर हैं, जिस स्कूल में 8 टीचर होने चाहिए थे वहां पर 1 टीचर है, जिस स्कूल में 15 टीचर होने चाहिए थे वहां पर 5 टीचर है। अगर मैं अपनी पंचायत की बात करूं, मेरी पंचायत में 2 मिडिल स्कूल है, वहां पर 3-3 टीचर है, एक हाई स्कूल है, बड़ी मुश्किल से पिछले साल वहां पर हमें पहले 4 टीचर थे, एक हेडमास्टर दिया गया है वहां पर, और अगर कहीं पर प्राइमरी स्कूल है वहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 टीचर है। अगर सबसे बड़ा नुकसान जो हमारे जम्मू कश्मीर के पंचायतों में हो रहा है वो एजुकेशन की वजह से, मतलब एजुकेशन में जहां पर एजुकेशन सेक्टर में आपका कहने का मतलब एजुकेशन सेक्टर में जो है नुकसान हो रहा है, और वो भी स्टाफ की वजह से, स्टाफ नहीं, बिल्कुल जीरो एजुकेशन जो है खासकर देहातों में पंचायतों में ये बिल्कुल जीरो पर है। और वजह क्या है, वजह स्टाफ की किल्लत है। ये हम किसी उस्ताद के ऊपर हम दोष नहीं ठहरा सकते कि किसी उस्ताद की कोई गलती है, उस्तादों की कोई गलती, लेकिन स्टाफ की किल्लत की वजह से मतलब बच्चों में काफी नुकसान हो रहा है। और हेल्थ की बात मैं करूं, मतलब आज मैंने जो हमारे सेमू साहब डोडा के हैं उनसे मैंने बात की थी, आज हेल्थ में जितने भी डॉक्टर है या कोई नर्स साहब है उनकी ट्रांसफर हो रही है। एक मैडम जी जो है सुदर्शना देवी, 4 साल से मैं कह रहा हूँ ये हमारे सेंटर से तनख्वाह ले रही है पीएचसी कल्याण से, और मैंने सेमू साहब को दिन में भी बोला इसकी ट्रांसफर होगी, मैंने कहा अगर इसकी ट्रांसफर हो गई है 11 साल से हमारे सेंटर से तनख्वाह इसको सैलरी हमारे सेंटर से मिल रही, अगर इसकी ट्रांसफर हो रही तो हमारे सेंटर से इसको क्यों तनख्वाह मिल रही। उन्होंने कहा कि उन्होंने डायरेक्टर से कोई ऑर्डर लाया, भाई सेमू साहब अगर यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर डीसी साहब बैठे, उन्होंने देखना अगर 3,000 पब्लिक या 4 या 5,000 पब्लिक सफर कर रही है एक इंसान की वजह से, क्या उन्होंने एक इंसान का सोचना है या 3 या 4,000 लोगों का सोचना है। ये बड़ी दुख की बात है कि अगर 11 साल एक मैडम साहिबा हमारे सेंटर से तनख्वाह ले रही, कम से कम उसने 50 या 60 लाख रुपया तनख्वाह लिया होगा हमारे सेंटर से, लेकिन हमें यह भी पता नहीं कि वो ड्यूटी कहाँ करती थी, पहले तो उसने कोर्ट सीटें लगाया था, अगर कोर्ट सीटें उसे वो तो घर में बैठी होगी। मैं बार बार कहता हूँ कि हम भी माँ बहन वाले हैं, अगर उस मैडम जी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ से ट्रांसफर क्यों नहीं करा रही, 11 साल उसने एक ही सेंटर पे काटे हैं, वो भी यहाँ से सैलरी उसको यहाँ से मिल रही है, सैलरी अगर उसको हमारे हेल्थ सेंटर से मिल रही, हमें ये पता नहीं ड्यूटी कहाँ देते हैं वो, कहाँ वो जो ही हम कोई बात उठाते वो क्या बोलते हैं जी डायरेक्टर साहब के पास जाते, वो डायरेक्टर साहब को भी मैंने फोन किया है। मतलब बड़ी दुख की बात है कि अगर एक हिंदुस्तान का एक वजीर आजम एक सरपंच की इज्जत करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट है यह सरपंचों की इज्जत नहीं करते, किसी डीडीसी की इज्जत नहीं करते, किसी बीडीसी चेयरमैन की इज्जत नहीं करते, यह बड़ी दुख की बात है। और कम से कम जो हमारे यहाँ पर पहले डीसी साहब थे, डीसी सागर साहब, उन तक भी हमने ये बात पहुंचाई थी, और जो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब है, मैंने फोन भी किया, आपने भी फोन किया, काफी मरतबा हमने मीडिया पे बात की है, और जो सेमू साहब है उन तक, क्या उनके वो बोलते हैं कि हमें लिख कर दे दो, भाई क्या हम लिख कर दे दे, आपके कान बहरे हो चुके हैं, आप सुन नहीं सकते। अगर हम ये कह रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, फोन के जरिए, वह एक मैडम साहिबा जो है वो बार बार डायरेक्टर ऑफिस से वो लेटर लाती है लिखकर, अगर उसको ट्रांसफर होनी तो इस सेंटर से ट्रांसफर कीजिए, वहां पर हमारे लोग सफर, और इस वक्त 4,000 लोग जो है वो सफर हो रहे हैं, हमारी माएं और बहनें जिनकी डिलीवरी गाड़ी में होती है, जिनकी डिलीवरी रास्ते में, क्योंकि हम एक पहाड़ी एरिया में रहते हैं, यहाँ पर गाड़ी की काफी खासकर तो यहाँ पर रोड भी ठीक नहीं होती है। अगर रोड ठीक होगी रात को हमें यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती है। अगर यहाँ पर एक एनएम साहिबा होती किसी भी माँ की, चाहे वो किसी मेरे हिंदू भाई की माँ होती है, मुसलमान भाई की माँ होती है, बहन होती है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत, मतलब इज्जत में खलल पड़ती है जो प्रेग्नेंट होती है। यह बड़ी दुख की बात है कि सेमू साहब या डीसी साहब हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। एक मैडम साहिबा की वजह से 4,000 लोग सफर, उनके पास कितनी अप्रूव, क्या बीजेपी सरकार तक, क्या बीजेपी सरकार तक यह बात नहीं पहुंच सकती है। दूसरी बात, तीसरी बात यह बताऊं मैं आपको, हमारे मेरी पंचायत में 2000
2014 में एक 15,000 गैलन होज बन रहा है, ये 2014 की बात है, 2014 में एक 15,000 गैलन होज बन रहा है, 2014 से लेकर 2023 तक हम आवाज मारे कि उस होज में पानी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उस वक्त जो जेई और सुपरवाइजर थे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जहां से लाइन थी उन्होंने लाइन से ऊपर कम से कम 30 या 40 या 50 मीटर होज बना दिया, और वो होज जो है अभी तक उसमें पानी नहीं पड़ा है। क्या जल इस वक्त खाली जल शक्ति होता है, इन्होंने प्रोग्राम रखा कि हर घर में हमने नल पहुंचाना, क्या वही पंडित बस्ती के लोग जिन्होंने बीजेपी को साथ दिया है, जिन्होंने कांग्रेस को साथ दिया, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ दिया, वही लोग कल तड़फेंगे पानी के बगैर, क्योंकि अगर इस वक्त डायरेक्ट उनको ग्रेविटी से पानी मिल रहा है, कल वो पानी बंद भी हो सकता है, क्या उस होज में पानी नहीं पड़ सकता था, ये बहुत दुख की बात है। उस पाइप लाइन को ऊपर उठा सकते थे, होज के पीछे ला सकते थे, लेकिन किसी एक्शन साहब को, अगर हम एक्शन साहब को फोन करते वो बोलते हैं एडब्ल्यू साहब को फोन करो, उसको हम फोन करते वो बोलते हैं कि नहीं आप जेई साहब को फोन करो, अगर जेई साहब, जहां तक आपने 14,000-15,000 गैलन होज की बात की, मैंने भी बहुत सारी स्टोरीज उसकी कवर की, पंचायत कल्हैंड के लोगों ने जो है काफी बार हंगामा भी किया, और जो मौजूदा जेईज थे उनसे बात की, और जब हमने शापू साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस दौर में यह होज बना है उस दौर का जो जेई था और जो उस दौर का सुपरवाइजर था उन्होंने मिली भगत से जो है इस होज को जो है जो ग्रेविटी लाइन थी उसके ऊपर बनाया है, तो मैं कैसे इसमें पानी डालूं। बहुत सारे जेई जो आज के भी मौजूदा जेई है, मौजूदा जेई की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जेई ने या जिस सुपरवाइजर ने उस होज को बनाया, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अगर सरकार ने इतने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतने इतने बड़े बड़े काम अगर किए हैं, क्या वो उस सुपरवाइजर या उस जेई के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते थे, जहां पर 8 या 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिन्होंने लाइन से कम लाइन से ऊपर 50 या 60 या 100 मीटर होज ऊपर बना दिया, हालांकि वो डैमेज भी हो गया, मतलब वो डैमेज अगर उसको एक साल तक पानी उसको नहीं पड़ेगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर इस वक्त जल शक्ति में जितने भी होज हमने अपने हिसाब से यहां से दिए हैं, जल शक्ति में 2,47,00,000 का जो प्रोजेक्ट है वो मेरी पंचायत में बना है, लेकिन हम उस जगह पर होज नहीं रख सके, क्योंकि वहां पर एक 15,000 का गैलन होज पहले से ही बना था, अगर वहां पर हम होज और रखते थे गवर्नमेंट वही मुलाजिम कल हमारे ऊपर बात उठा सकते कि भाई वहां पर होज बना है, वहां पर उस गांव के लिए उस पंडित बस्ती के जहां पर कम से कम इस वक्त 90 घर है, लेकिन उन 90 घरों के लिए कोई भी होज नहीं, वही 15,000 गैलन होज जो था वहां पर था, लेकिन 4 साल हो गए हमें सरपंची में, लेकिन किस कोई मेरा ऑफिसर बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अगर जिस तरह आपने कहा उनके ऊपर कार्रवाई 2014 से लेकर आज तक जिस तरह उस होज को पानी नहीं डाला गया, 15,000 गैलन का होज बनाया गया था, लगभग 9 लाख की लागत से होज बनाया गया था, और जिस तरह उस दिन डिपार्टमेंट की लापरवाही थी, कुछ जेई सुपरवाइजर और कुछ निजी मुलाजिम जो थे पीएचई के उन्होंने कुछ ले देकर जो है मसला खत्म किया और होज को ऊपर बनाया, जिसकी वजह से आज पानी पंडित बस्ती को नहीं मिल रहा है। आज भी 2,47,00,000 के आसपास का जो जेजेएम का प्लान आपके पंचायत में चल रहा है, क्या आज आपको नहीं लग रहा है आज भी कुछ जगहों पर जो है मिली भगत चल रही है कुछ मुलाजमों की? मैं देख रहा हूँ जो हमने कुछ होज रखे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, उन्होंने होज बनाने हैं ठीक उसी जगह पर जहाँ की हमने गाइडेंस किया है और जहाँ का हमने नाम दिया है और जहां पर इस वक्त प्लान में नाम है, उस नाम को वो इधर उधर नहीं कर सकते। रही बात पानी की, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, वो कहां से पाइपलाइन लाएंगे और मतलब होज में डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को पानी पिलाना है। छोटा सवाल मैं यहां पर आपसे करूंगा, क्योंकि आपको जेई और जो मौजूदा यहां पर एक मुलाजिम रखा गया, मैं नाम किसी का लूंगा नहीं, वो टारगेट बार बार सरपंच को कर रहे हैं,
उनका एक धम्मा अमलान होज है, जब हम उनसे पूछते हैं कि आप होज का काम क्यों नहीं लगा रहे हो, वो बोलते हैं सरपंच नहीं बोल रहा कहाँ लगाना है, जबकि आपने जमीन पहले ही आइडेंटिफाई कर दी है, आपने पहले उनको जो उन्होंने सर्वे भी कर लिया है वो फिर भी काम नहीं लगा रहे हैं। जबकि कुछ मुलाजिम गवर्नमेंट के जो है वो मिली बकर कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ लोगों को कह रहे हैं कि ऊपर आप होज को ले जाओ, कुछ लोगों को नीचे कह रहे हैं ले जाओ। तो देखो अगर इस वक्त अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस वक्त डिपार्टमेंट पंचायत में खलल डालना चाहता है, ये मैं डिपार्टमेंट आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को एक वार्निंग देता हूँ कि डिपार्टमेंट अगर इस वक्त पंचायत में खलल डालना चाहता है, अगर हमने दम्मा अमलान के लिए होज रखा है वो दम्मा अमलान में बनेगा। रही बात पानी की, सिर्फ वो उन्होंने देखना कि वो कहां से पानी उसको ला सकते। मैंने पहले भी उनको बोला कि एक नाला है वहां से आप पानी लाए, तहसीलदार साहब को साथ लाए, वहां पर देखे अगर किसी की मिल्कियत जमीन है तो वो मिल्कियत से पानी, अलबत्ता अगर कहीं खालसा पड़ा है खालसे में पानी निकल रहा है तो वो वहां से पानी ला सकते हैं, उसमें कौन सी दिक्कत है। रही बात ये खलल डालते हैं पंचायत में, पंचायत के लोगों को उकसाते हैं कि कभी नीचे वाला होज ऊपर लाएंगे ऊपर वाला होज नीचे, वो नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पंडित बस्ती में अगर 15,000 गैलन होज बनाया जी, वो उसमें पानी क्यों नहीं डाला अभी तक। अगर वो डिपार्टमेंट का कहना है या लोग डिपार्टमेंट का कहना है कि वो लीक है, अगर वो लीक है उन्होंने रिपेयरिंग क्यों नहीं रखा। अगर 2,47,00,000 का हमने यहाँ से प्लान दिया था, हालांकि शापू साहब जेई ने 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन बीच में हमारा एक सुपरवाइजर उठा, उसने वो प्रोजेक्ट कटवा दिया, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं था। जब शापू साहब ने यहाँ पर ब्लॉक देव हमारे ब्लॉक डाली उदयपुर में हुआ था जी, और उन्होंने मुझे वहां पर प्लान दिखाया था, जेई शापू साहब जो है वो ईमानदार जेई, मैं कहता हूँ यहाँ पर ईमानदार है जेई शापू, उन्होंने 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया। और बाद में यहाँ पर एक बहनाल का एक जेई मुजम्मिल साहब आए हैं और वो यहाँ के एक सुपरवाइजर से मिलकर उन्होंने 4.5 करोड़ से प्रोजेक्ट 2,47,00,000 तक पहुंचाया, और सुपरवाइजर का कहना है पानी नहीं पाई, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इधर नागनी से पीछे इतना बड़ा पानी है, वहां पर भी हम पाइप लगा सकते हैं। अगर एक करोड़ की पाइप वहां से पीछे से पाइप लग सकती थी आराम से, वो हमारी पंचायत में आ सकता था, और वो उस जिजोत हमारा जो अलाका जिजोत है वो भी कवर हो सकता था उससे, और जो हमारा इधर आगे जोधपुर है वो भी कवर हो सकता है, हाँ चमल्ला भी कवर हो सकता था उस पानी से। लेकिन ये कमाकली जो मतलब डिपार्टमेंट के कुछ लोग है वो कमाकली है, उनका जहन जो है वो कभी काम नहीं करता है, उसकी वजह से लोग सफर हो रहे हैं, और जैसे कि आज मेरी पंडित बस्ती के लोग सफर हो रहे हैं जी। उसके बाद में एक और बात कहना चाहता हूं, अगर इन्होंने 15,000 गैलन होज को कैंसिल करना था, अगर उसने पानी नहीं डालना था तो कम से कम एक होज और रखना था, 10,000 गैलन होज रखना था और पंडित बस्ती के लिए। हालांकि बार बार में इनको कह रहा था ये डिपार्टमेंट का काम था, उन्होंने रखना था, हालांकि ये बता रहे थे यहाँ पर कि 10,000 गैलन होज है, जबकि हमने एक प्लान चेक किया है वो एक सुपरवाइजर बता रहा था पहले ये 10,000 गैलन होज है, जब हमने प्लान चेक किया वो तो एक बार आपसे मैं एक सवाल करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह डेवकॉम जम्मू से जो है हमने अर्जी लगाई थी और उन्हें डीसी डोडा जो थे विकास, डॉक्टर विकास जी थे, उनको जो है उन्होंने मैसेज किया था, और उसके बाद एक्सएन डोडा को जो है एक लेटर निकाला गया था, और उस लेटर के थ्रू जो है एक्सएन डोडा ने जो है दौरा किया था इस होज का, और उस दिन बताया गया था कि आपके पास पाइप नहीं है, अगर आप पाइप लाते हैं तो आपको जो है पानी दिया जाएगा, जिसमें आपने भी कुछ पैसे निकाले थे, और उसके बाद हमने किसी और से भी जो है पाइप ली थी, और पाइप हमने लाई भी थी, उसके बावजूद भी पानी नहीं डाला गया। तो आखिरकार आपको नहीं लग रहा है कि कुछ यहाँ के मुलाजिम, आपको नहीं लग रहा है कि कुछ यहाँ के मुलाजिम उसमें मुलाविस है? जो 15,000 गैलन होज है ऊपर हमारे पंडितपुरा में, हमने अपने पैसों से अपने जेब से हमने पैसे निकाले थे, उसके लिए हमने पाइप लाई थी, कम से कम 60-70,000 की पाइप लाई थी, लेकिन उन्होंने जो मतलब डिपार्टमेंट ने उस होज में पानी नहीं डाला है, ये सरासर डिपार्टमेंट की गलती है, क्योंकि 8-10 लाख का जो होज बना है वहां पर उन्होंने डैमेज कराया है, और ये सरासर डिपार्टमेंट की गलती है। इसके बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो है ये लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, पंचायतों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अगर हर पंचायत में जल शक्ति स्कीम के तहत प्लान बनाया गया है जी। ये तो पंचायत के हिसाब से बनाया गया है,
लेकिन इस वक्त ये पंचायतों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अगर कोई मुलाजिम उठता भाई ये हो जो बना है फलानी पंचायत में, इससे आपको भी पानी मिलेगा, मतलब ये है कि ये पंचायतों को सरपंचों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, पंचों को सरपंचों के साथ लड़ाना चाहते हैं और पब्लिक को सरपंचों और पंचों के साथ लड़ाना चाहते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। अगर जल शक्ति में हमने 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर जेई सापू साहब ने बनाया था, लेकिन अगर एक सुपरवाइजर और एक जेई उठता है वो उसको काट देता है, उसकी वजह क्या है? मतलब उसकी वजह क्या, उसने काटा क्यों प्लान? अगर उन्होंने काटा और कुछ हमारी जो लाइन है इस वक्त जी, मतलब वो रखते हैं उसको रिपेयरिंग, मतलब बड़ी दुख की बात है। पलान में और कुछ है और ये जबानी और कुछ बता रहे हैं और ये लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट की, अगर इस वक्त सरकार की एक पॉलिसी कि हमने हर घर को पानी देना है, ये पानी जो है 30 साल तक किसी को भी, मतलब जो इस वक्त पलान बन गया है 30-40 साल तक किसी को एक पाइप का पीस भी नहीं मिलेगा, किसी को एक पाइप का टोटा भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। जिसको इस वक्त पानी मिल गया, अगर नहीं मिलेगा तो 40 साल भी अगर वो लोग तड़फेंगे किसी को पानी नहीं मिलने वाला, ये क्लियर मैं आपको कह रहा हूँ इस वक्त। लेकिन डिपार्टमेंट साहब, क्या मैसेज है सरकार के लिए जी? क्या मैसेज है सरकार, डिमांड क्या है? सबसे मैसेज नहीं कहूंगा, डिमांड कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव के लोग, जिस तरह मैंने पहले आज जो उन्वान था इस लाइव डिबेट का, ये था कि आज लेबर का दिन था, मजदूरों का दिन था और मजदूरों को ही जो है यहाँ पर उनको ही इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि गाँव में अक्सर गरीब ही लोग होते हैं। किफायतुल्ला साहब, अगर गवर्नमेंट ने, पहले मैं यह बात आपसे क्लियर करूँ, अगर गवर्नमेंट ने 244 रुपए रेट किया है जी, अगर पूरी जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर बैठेंगे लेकिन इसको रेट नहीं बढ़ेगा, क्लियर मैं आपको कह रहा हूँ। 6 महीने घरों पे बैठे या 2 साल बैठे, रेट नहीं बढ़ेगा, अगले साल तक रेट नहीं बढ़ेगा, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, मैं सरकार से ये मुद्दाना गुजारिश करता हूँ कि जो PMAY स्कीम के तहत जो कुछ आइडिया बची है पंचायतों में पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर हमारे ब्लॉक दालिमगढ़पुर की बात मैं करता हूँ, गुंदना ब्लॉक की बात मैं करता हूँ, गाढ़ ब्लॉक की बात मैं करता हूँ, मरमत भागवा बलेसा कश्तवाड़ और खिताई चिनाब की बात मैं करता हूँ, जितने भी हमारे PMAY स्कीम के तहत आइडिया बनी है। और जिस तरह से आपने पिछले साल टारगेट हमें दिया था, किसी पंचायत में 60 मकान आए थे, किसी में 70 आए थे, किसी में 50 आए थे, हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि अगर उसी तरह से इस साल भी ये टारगेट हमें फिर से देंगे। दूसरी बात यह है, इस MG नरेगा को मतलब थोड़ा आगे चलाने की कोशिश आप करें, ताकि पिछले साल अगर लोगों को नुकसान हुआ, इस साल लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और साथ काम भी अच्छे बनेंगे जी। तो साथ साथ में मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, तब जाके जब तक हमारी पंचायतों में एजुकेशन का जो निजाम, जो बिल्कुल हमारे बच्चे जो है बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि 8th पास का जो बच्चा है उसको छुट्टी की दरखास्त लिखनी नहीं आती है, वो दकाउ नहीं लिख सकता है, चेयर पे वो कोई नजम नहीं लिख सकता है। मेहरबानी करके हमारे जम्मू कश्मीर के पंचायतों में कम से कम सिटाप की मतलब जरूरत है, हमें कम से कम मिडिल स्कूलों में 7-7, 8-8 टीचर मिलने चाहिए। तीसरी बात यह है कि जितने भी हेल्थ सेंटर हमारे गाँव में है, क्योंकि हेल्थ जो है, हेल्थ और एजुकेशन खासकर गरीब लोगों के बहुत जरूरी है। मैं अपनी पंचायत की बात करूं, पंचायत कल्याण की सेमू साहब से भी मतबाना गुजारिश करता हूं, अगर DC साहब तक भी मेरी आवाज पहुंची, कोई सरकार का कोई MLA साहब या कोई MP साहब मेरी इस गरीब सरपंच की कोई वीडियो को देखता है या सुनता है, कि कम से कम जो हमारे हेल्थ सेंटर में स्टाफ की किल्लत है, इस स्टाफ को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये 3000 पब्लिक में ये पंचायत मुश्तमिल और इर्द गिर्द की 2 पंचायतों के लोग भी इस पंचायत में आते हैं, इस सेंटर में आते हैं, इसलिए मेहरबानी करके इसका भी मसला हल करें। इसके साथ साथ में जो हमारी पंडतपुरा में जो 15,000 गैलन होज है वो मिस हो चुका है जी, उसके ऊपर नजर रखो, या तो हमें और प्लान मजीद दें, जो आपने 2,47,00,000 का प्लान दिया, और हमें जल शक्ति में 10 लाख कम से कम 10-12 लाख दे, ताकि हम पंडित बस्ती में एक होज 10,000 गैलन कम से कम 10,000 गैलन होज एक और बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिविर साहब, जिस तरह आज का जो लाइव प्रोग्राम था, मैं इस लाइव प्रोग्राम के जरिए लास्ट में SED डोडा से एक ही गुजारिश करूंगा,
अगर 244 रुपए जो है भारत सरकार की तरफ से नरेगा जॉब कार्ड होल्डर को जो है बढ़ा दिया गया है, 244 रेट कर दिया गया है, हाथ जोड़कर एक ही गुजारिश करूंगा कि इन 244 रुपए के हिसाब से जो भी पैसा बनता है 100 दिन की उजरत जो है हर जॉब कार्ड होल्डर को कम से कम मिलनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब के लिए वो एक बहुत बड़ी रकम होती है। पिछले साल भी जो मेट का सिस्टम रखा गया था, पहले तो हाजिरी अपलोड नहीं होती थी, अब उन मेटों को कहा जा रहा है कि आपके लिए कोई भी सिस्टम नहीं है, बहुत सारी पंचायतों में ऐसा हो रहा है, इसलिए पहले ही मैं गुजारिश करूंगा डीसी डोडा और एसडी डोडा से कि पहले तो 100 दिन लोगों को मिलने चाहिए और उसके बाद जो मेट होंगे उनके लिए भी जो है एसडी डोडा और डीसी डोडा को जो है पहले ही कुछ सोचना चाहिए, ताकि गरीब लोग जो है उनका जो हक है वो खत्म ना हो जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए। शुक्रिया। और जो भी लोग इस वक्त